माशाल्लाह 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 भाई। भाई आप भी पिला लेना, सब पिला लेना। हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर शाम भाई। डक्स ने क्या कर दिया? डक्स ने पोटी कर दी। यार डक्स ने ना पोटी और पिशी दोनों कर लिए। मसला ये डक्स को ना मैंने अभी धूप के पास रख तो दिया है। अब ये देखिए जी, डक्स जो है ना धूप के पास है और इनकी ना आज मुझे सफाई करनी है। बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है अंदर, इनको मुझे साफ करना है। और माशाल्लाह डक्स यार एकदम ही, मैं ये सोच रहा था कि कितनी जल्दी जल्दी ये बड़ी होती हैं यार। अभी इनको एक हफ्ता हुआ और एक हफ्ते के अंदर इसने बहुत ज्यादा बड़ा शेप निकाल लिया है। भाई ये चूजा भी ना माशाल्लाह देखे जी, बाकी चूजों ने इतनी अच्छी हाइट नहीं पकड़ी है। मैं अभी कुछ ही देर में ये वाला लॉक खोल के आपको दिखाता हूँ। वो जो अंदर चूजा है ना यार, उसने बहुत अच्छी हाइट पकड़ ली है माशाल्लाह। जबकि आपको ये वाला छोटा वाला जो नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसने इतनी अच्छी हाइट नहीं पकड़ी है। बाकी वो जो पीछे वाला है ना, उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट पकड़ ली है यार। यार आज ना मैं सोच रहा हूँ रैबिट भी लेकर आऊँ, और उमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रैबिट के लिए। इजहान को ही लेकर आ रहा है। यार इजहान को लेके इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये ना दूर जाते जाते सो जाते हैं। मैं लास्ट टाइम जो डक लेकर आया हूँ ना, वो इजहान के साथ लेकर आया हूँ, पर अब जो रैबिट लेकर आने, वो मैं सोच रहा हूँ उमेशा को लेके जाऊँ अपने साथ। क्योंकि यार इनकी जगह ना मैं चेंज करने वाला हूँ, इनको रखूंगा मैं रैबिट के साथ, और ये वाली जगह पर ना कोई ना कोई बर्ड्स आ जाए। यहाँ पर हम नीचे थोड़ी सी भालू मट्टी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर रैबिट्स को, डक को ना, दोनों को एक साथ। ये देखे जी, ये पता नहीं क्या क्या चीजें लेके घूम रहे हैं। ओ स्लाइम, हाँ ये स्लाइम है। इस स्लाइम से डक बना दो यार, एक काम करो डक बना के दिखा दो मुझे स्लाइम से। इनको बस ये कि ऊपर बर्ड्स देखनी है, तो इसलिए यहाँ पर चीजें रखेंगे और थोड़ा बर्ड्स देखेंगे। ये देखें सोची, अब बारी है कि मैं अपने कॉकटेल्स के देखूं अंडों में से बच्चे निकले हैं या नहीं, जरा चेक करते हैं। मैजा भी एक्साइटेड हो रही है कि यार मुझे दिखाएं दिखाएं, तो मैं फाइनली आज दिखाई देता हूँ। अब देखे जी, मैं इनको यहाँ पर छेड़ता हूँ। ओए 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 भाई, दोनों ही अंदर बैठे हैं माशाल्लाह। भाई यार आज ना, आज इनको देख के ही मैं छोड़ूंगा कि यार भाई मामला क्या है। आपको नजर नहीं आ रहा है? मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा सही, क्योंकि इनकी ना गुस्सा हो जाएंगी। ये आपको देख लिया आपने? अब एक नजर आ गए भाई, एक नजर आ गए भाई। ये बहुत ज्यादा ना माशाल्लाह लाल कलर के एग हो गए, और अब कुछ ही टाइम बाद ना इसके अंदर से बच्चे निकलने वाले हैं। तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता यार, इनको बैठे रहता हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब बच्चे निकलेंगे इसके अंदर से। यार मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं वेट करता हूँ वापस। यार आज कल में कब बच्चे निकलेंगे? जब भी निकलेंगे यार, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इनके बच्चे, जिस दिन भी निकलेंगे। अभी इनको ढका हुआ है। इन लोगों ने अगर अब बदतमीजी करने की कोशिश करी। यार मैंने ना उमेशा से कमिटमेंट कर लिया कि मैं रैबिट लेने जाऊंगा तो उमेशा को साथ लेके जाऊंगा। आज उमेशा से मैं बोलता हूँ ना कि भाई वापसी चले, तो उमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलती है, शामू कमिटमेंट करी हुई आपने, तो आपने लेके जाना है रैबिट लेने। आप मुझे बताओ रैबिट कौन से कलर के चाहिए, जल्दी से बता दो। व्हाइट कलर के रैबिट चाहिए? यार इसको ना व्हाइट कलर और येलो कलर से ना बहुत मोहब्बत है। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की डक लेकर आ गया हूँ ना, ये वाली बिल्कुल बोलती है कि शामू मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है वाली डक। आप एक काम करें, आप इसको वापसी देकर आ जाएं और दूसरी ले आएं, पर मुझे अच्छी लग रही है यार। ब्लैक कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन आपको पता है बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसीलिए वापसी नहीं देऊंगा इसको, फिर कभी दूसरी कलर की डक लेकर आ जाऊँ। फाइनली अब हम जा रहे हैं रैबिट लेने के लिए, होपफुली कि हमें अच्छा रैबिट मिल जाए। अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ उमेशा है। ये लैब्राडोर हो गए, मांग इसके थोड़े से ज़्यादा रहे, और ये छोटा बच्चा है इसका, वो वाला भी एक है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। बट अब अभी हम लेने आए हैं इसे रैबिट, और यहाँ पर मैंने पेड़ निकलवा लिए, वो पेड़ निकालना है यहाँ से। बता दो उनको, बोलो डोगी भाई। भाई ये वाले हमारे पास रैबिट्स आ चुके हैं, और ये पूरा पेयर है, एक जरा सा कलरफुल लिया और एक बिल्कुल ही वाइट लिया है। ये देखिए जी, वो रैबिट पे हमला कर रहे हैं भाई, ये रैबिट पे हमला कर रहा है भाई। ये जर्मन शेफर्ड का लॉन्ग कोट में है। महीने का है ये? तकरीबन मेरा भाई 4 महीने का। 4 महीने का, और क्या मांग रहा है इसके? इसके मांग रहे मेरा भाई 8.5 हज़ार जी। रैबिट तो आपको नजर आ रहे हैं, रैबिट के साथ साथ आप ये देखे जी, ये बकरा भी मेरे साथ है, और बकरे को किस तरह से मैं लेकर आया आप ये भी देखे यार। बहुत प्यारा बकरा, ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। भाई इस रैबिट का नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें इस रैबिट का? माइलो सही है भाई, इस रैबिट का नाम माइलो रख देते हैं। माइलो। इस रैबिट की अभी फिलहाल जगह जो है ना ऊपर है, और ये आगे दूसरा, इसका नाम क्या रखे उमेशा? मानी टाइप करते हैं इसका नाम, इसका नाम, इसको देखे जी, उसका हमें गलत बयानी करके दिया, देखे जी जख्म लगा हुआ है इसके पाँव में, जख्म है इसके। चलें देखते हैं अगर वापसी करवा सकें वापसी, वरना जो है ना अगर इन्हीं को रिकवर कर सकें तो इन्हीं को रिकवर करेंगे।
बाकी इसका नाम डिसाइड करते हैं। भाई बकरी को हमने रख दिया है यहाँ पर, इसके लिए जो पूरा एक जगह बनाई हुई थी ना, इस जगह के अंदर रख दिया इस बकरी को। और अब देखें जी यहाँ पर कवर लगा के ना बंद कर देंगे, जिससे इसको सर्दी भी नहीं लगेगी। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी है यार। ये हुआ था कि जब रैबिट लेके वापसी आ रहे ना, तो सामने भांजी थी मेरी, इसने बोला कि यार ये वाली मिम्मी ना अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने चेक की, मैंने कहा यार हाँ यार लग तो अच्छी रही है। सिर्फ एक ही नज़र आई थी ये वाली, थोड़ी सी जानदार थी, और वो बोल रहा था कि अराउंड जो है ना एक महीने तक या डेढ़ महीने तक इसकी एज है। तो सबसे अच्छा सीन ये है कि कुछ ना घास खा रही थी, लूसन वो खा रही थी। दूध वाली मुझे चाहिए नहीं थी कि बच्चा हो बिल्कुल दूध पे चले, घास खा रही थी। वो कह रहा दूध पिलाओगे वो भी चलेगा, वरना घास खिलाओगे तो वो तो चल ही जाएगा। तो कोशिश करेंगे घास भी खिलाएं और दूध भी पिलाएं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरे साथ पहले बैड सीन हो चुका है, एक गाय का बच्चा लेकर आया था वो मर गया था। तो वो कह रहा भाई आप ना ज़रूरत से ज़्यादा जब खिलाओगे ना तब बच्चा मर जाएगा। उसने बिल्कुल फेयर बात करी। तो बेहतर ये है कि कोई भी कोई चीज़ खिला रहा हो नहीं खाए, सिर्फ सुबह खिलाओ और रात को खिलाओ थोड़ा थोड़ा, चलेगा। बेटा मिम्मी जो है ना ये अब सुबह निकलेगी मॉर्निंग के टाइम पे। मिम्मी का भी एक टाइम बना लेंगे ना, जिस तरह आप स्कूल जाते हो ना मॉर्निंग के टाइम पे, ये भी बाहर थोड़े टाइम के लिए निकलेगी। ओए मना कर रही है, अभी बाहर नहीं आना। फाइनली हमने इसको अपर पहना दिया है, और ये बड़ा ज़बरदस्त अपर है। यहाँ पर ये हुड पहन लेगा, और ये अपर आपको पता है ये अपर इजान का है जो हमने पहनाया है, और ये बड़ा प्यारा अपर लग रहा है। नहीं नहीं ऐसे गोदी में नहीं भाई। अब जो है ना, वैसे तो ये चारे में मैंने देखा इनको चारा खाते हुए, पर वो बोल रहे थे कि दूध पिलाओगे तो वो भी अच्छा है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह जो है ना वो चारा खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा, और अब जो है ना इनकी फीडर है, और हमने नीम गरम बिल्कुल दूध कर दिया और पानी मिला दिया है, और अब एक एक करके हम सब पिलाएंगे। भाई शुरू में जो है ना बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, तो वो कह रहा मैं पिलाऊंगा, वो बोल रहा मैं पिलाऊंगा। तो देखते हैं भाई, थोड़ा सा पिलाते हैं और देखते हैं कि वो जल्दी से फिनिश करे, और उसके बाद जो है ना रात हो रही है, इसको बिल्कुल ही अंदर करके ना हम सुला देंगे, मतलब सो जाए आराम से नींद पूरी करे। अच्छा आप बेटा पहले मुझे शाऊं को सेट तो करने दो, पहले सही तो करने दो। ये देखो इधर आओ, आप पकड़ लो भाई। ओए होए होए माशाल्लाह 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 भाई, शाऊं को पिला दो भाई। आप भी पिला लेना, सब पिला लेना भाई। अभी इब्राहिम की बारी है, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। इंसान आप छोड़ो, इंसान आप छोड़ो, इतना छोड़ो। अच्छा वन बाय वन बहुत है दूध। इधर आओ, आपकी बारी आओ, ऐसे ऊपर करके पिलाओ, दूध सही तो जाए। दोस्तों बच्चे जो है ना वो दूध पिला रहे हैं, आज पहला दिन है तो बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि मैं पिलाऊंगा चल रहा है। और अभी भी इब्राहिम पिला रहे हैं, आप देखें यहाँ पर वो दूध पिला रहा है, तो दूध आ भी नहीं रहा। यस यार, अब भाई मेरे बच्चों अब इसको निन्नी करनी है, ऐसे नहीं करो, आप लोग सही पिला नहीं रहे। अब मेरी बारी, वन बाय वन सबकी बारी हो गई। यार बड़ा तंग कर रहे हैं बच्चे यार, यकीन मानो जी। अच्छा इब्राहिम आपकी बारी हो गई, चले आप छोड़े अब उमेदा की बारी। उमेदा थोड़ा ऊपर करके पिलाएं, थोड़ा सा ऊपर करके पिलाएं। यार ये बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, क्यूट बच्चा है, और इसको ये देखिए जी दूध पिलाया जा रहा है, ज़बरदस्त किस्म का पी रहे हैं। अब तो सबकी बारी हो गई बेटा, आपकी सबकी बारियाँ हो गई। आ जाओ आपकी एक बारी और है, आओ। ये देखिए जी जरा सी मैं बात करता हूँ ना नाराज़ होकर भाग जाता है। वेट एक मिनट दे रहे हैं उमेर साहब, इब्राहिम को दें। हाँ ऐसे भाई, ऐसे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है भाई क्या बात है भाई। ये माशाल्लाह जो है ना फिनिश कर चुका है तकरीबन दूध। ओए होए होए इसको तो देखें जी, इसका कान चूम रहा है भाई ये तो। ओए ओए इतनी मोहब्बत, क्या बात है। आप भी अप्पा कर दो, वो देखो जी सब अप्पा करने में लगे हैं। और बच्चे ना अब थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह दूध पी लिया है, अब सुबह खाएगा खाना, तो सुबह वाला इसको खिलाएंगे। और बच्चों के साथ जो है ना ये माशाल्लाह अब थोड़ा बहुत खेलता रहेगा। जी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कल जो है ना हम इसको वापसी कुछ खाना खिलाएंगे, कल इसका लोशन भी लेकर आएंगे, और कल वापसी दूध भी खिलाएंगे। ओके तो वीडियो पसंद आए तो बोलना लाइक, दूध दूध कल दूध भी पिलाएंगे, और एक लूसन होता है ना ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं लीव्स, वो भी खिलाएंगे हम इनको। ओके तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और बाय बाय कर दो सबको, और बोलो 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 सब्सक्राइब लाजमी कर दो यार। तो जी इसको जो है ना आज हम लोगों ने फिलहाल जो है ना मुर्गों के साथ अंदर ही रख दिया है, क्योंकि भाई अकेला फील नहीं करें।